सदी के महानायक के नाम से पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के पूरे देश में करोड़ों चाहने वाले हैं, यहां तक कि विदेशों में भी उनके फैंस हैं। अपनी उम्दा एक्टिंग से बिग बी ने हिंदी सिनेमा में एक अमिट छाप छोड़ी है। वहीं इतनी उम्र हो जाने के बाद भी लगातार इंडस्ट्री में वो एक्टिव हैं, उनका जोश आज भी देखते ही बनता है। दरअसल हम यहाँ पे अमिताभ बच्चन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्टर अमिताभ के बर्थडे को खास बनाने के लिए केबीसी 14 में जया और अभिषेक बच्चन गेस्ट बनकर आएंगे। ये पहली बार होगा जब जया बच्चन इस शो का हिस्सा बनेंगी। हालांकि अभिषेक बच्चन पहले भी कई मौकों पर केबीसी में नजर आ चुके हैं। इस बात की जानकारी सोनी टीवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक प्रोमो वीडियो शेयर करके दी है। अमिताभ के बर्थडे को लेकर प्लान किया गया केबीसी का ये स्पेशल एपिसोड 11 अक्टूबर को रात 9 बजे टेलीकास्ट होगा। इस प्रोमो में दिखाया गया है कि अभिषेक बच्चन की शो में सरप्राइज एंट्री होती है। इतना ही नहीं, शो में बिग बी इमोशनल होते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि अमिताभ बच्चन कौन सी बात पर इमोशनल हुए इसका खुलासा तो शो के ऑन एयर होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन प्रोमो में आप देख सकते हैं कि बिग बी शो की होस्टिंग कर रहे हैं, तभी अचानक से हूटर बज जाता है। हूटर की आवाज सुनकर अमिताभ बच्चन समेत वहां मौजूद कंटेस्टेंट्स भी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर बिग बी का फिल्म सिलसिला का मशहूर डायलॉग कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है बोलते हुए अभिषेक बच्चन स्टेज में एंट्री करते हैं और बिग बी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद अमिताभ अपने लाडले बेटे को गले लगाते, फिर अचानक ऐसा कुछ होता है कि अमिताभ इमोशनल हो जाते हैं और मंच पर ही बच्चन साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खैर, अब तो हम भी जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि आखिर अमिताभ बच्चन किस बात पर इतने इमोशनल हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड से आईएनएस की रिपोर्ट।